पिछले वीडियो में मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था सिंपल सेंटेंस का, अब मैं इस वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखूंगा और फिर कुछ एग्जांपल के द्वारा इस टेंस को एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस का नंबर आता है। इसलिए सबसे पहले मैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस डू आर, डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद डू आर डज, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब हमें यहाँ ये जानना है कि डू और डज का यूज कहाँ पे करेंगे और कहाँ पे नहीं। तो डू और डज का यूज सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट डिपेंडेंट होता है डू और डज यूज और डू और डज। सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज का यूज करते हैं या फिर नहीं करते हैं। सब्जेक्ट अगर ही हुआ, सी हुआ, इफ हुआ या फिर कोई एक नाम हुआ, तो हम यहाँ पे डज का यूज करते हैं। ही, सी, इट एंड ए नेम के साथ डज का यूज किया जाता है और रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल पे आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने कुछ एग्जांपल लिखा था, जैसे आई रीड बुक, ही रीड बुक, यू रीड बुक। उन्हीं सेंटेंसेस को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो आई, यू, ही, राम, राम है श्याम। तो सब्जेक्ट जैसा मतलब रहेगा उसके अनुसार हम डू या डज में से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ही, सी, इट या कोई एक नाम है तो डज का यूज करेंगे। आई इसमें पहले चार में से नहीं है तो यहाँ पे हम डू का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, और फिर ऑब्जेक्ट बुक। यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज नहीं करना है, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, इसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। यू के साथ भी डू नॉट का ही यूज किया जाता है, डू नॉट रीड बुक। और ही आ गया तो हम डज का यूज करेंगे, ही does not read book। राम ये नेम है, सिंगल नेम है, यहाँ पर हम डज का यूज करेंगे, does not read book। अब दो नाम आ जा रहे हैं या एक से अधिक नाम आ जा रहा है तो हम डू का यूज करेंगे, राम एंड श्याम, do not read book। तो इस तरह से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जाना और सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देखे। सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का यूज करना है और बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज आता नहीं टेंस के अनुसार या सेंटेंस के अनुसार।